कहीं नहीं जाती पैलेट। मजबूत कपड़े में भेजती हूँ, भेज देती हूँ। देखिए जी, शीशा भी सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और पैलेट भी। एट फोर थैंक यू, एट फोर थैंक यू। ये ले जी। चलो जी, होनी सुन रही मैं। चलें जब अनबॉक्सिंग करते हैं, सब लोग जाग ही रहे होंगे, रोज़ा रख के सोएंगे सारे। और ये खुद से रिसीव हुए हैं बड़े प्यारी सी पैकिंग में, और मेरी स्पेस से ना रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कोई फॉलोअर खुद से ऑर्डर करेगा उसको इसी तरह की पैकिंग में भिजवाना है आप लोगों ने। सबसे पहला खुस्सा ये है, उसके बाद ये है जल्दी, और फिर जब वीडियो बनाऊँगी ना, ये चारों पेयर या तीन पेयर गिवे कर दूँगी इंशाल्लाह। अगला पैकेज जी, हाय ओए, बहुत शुक्रिया जी इस तस्वीर के लिए। ठीक है, अब जी इनका पैकेज देखते हैं, इनमें क्या भेजा है, ज़रा मैं सेट कर लूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। अगला पैकेज जी, हाय ओए, बहुत शुक्रिया जी इस तस्वीर के लिए। ठीक है, अब जी इनका पैकेज देखते हैं, इनमें क्या भेजा है, ज़रा मैं सेट कर लूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ जी, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक ये टॉप्स टाइप एयरिंग्स हैं, एयरिंग्स भी कहते हैं, टॉप्स भी कहते हैं, मिक्सचर ही आधे कान से नीचे होंगे। उसके बाद एक ये एयरिंग्स हैं, फिर एक ये एयरिंग्स हैं, और एक ये बहुत लाइट वेट सी बड़ी प्यारी सी बैंगल है ये वाली, और उसके बाद ये है, ये है, और किटकैट। इनका खोल लिया है, इन्होंने तो ग्रीन एयरिंग्स भेज के ना, ओए होए कितना प्यारा ग्रीन है ये वाला और ब्लू वाला। उसके बाद ये है, उसके बाद ये हूप्स हैं, और ये जो वाला जो कंटेनर है ये है ये, ठीक है। और ये देखें, ये कितने प्यारे हैं, बैक से ऐसे हैं। उसके बाद एक ये है, और एंड पे ये है। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। बहुत जल्दी ना मैं करूँगी गिवे, लेकिन ईद से पहले पहले ईद ही मिलेगी ना। बहुत ही प्यारा सा बैग रिसीव हुआ है, मैं आप लोगों को ज़रा पास से दिखाती हूँ ताकि उसकी सिलाइयाँ वगैरह जो लोग कहते हैं ना पास से दिखाएं वो देख लें, सफाई कितनी है और क्वालिटी का फिर पता चल जाता है। ये है बैग से, जो वाइट वाइट है ना अभी नीचे वो बुर लगा हुआ, साफ सुथरा था बैग, बिल्कुल साफ कर देते हैं जी, आप दिखाती हूँ ठीक है। और ये है जूते, मैं इसको खोलती हूँ। ये जी ब्लॉक हील है,
बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। पैकेज आया है ब्यूटी चार्म की तरफ से। सबसे पहले उन्होंने मुझे फेस वॉश भेजा है। आजकल जो मैं चीजें यूज कर रही हूँ ना रिव्यू के लिए, वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगी या कल बताऊंगी, और फिर बाद में इसका भी रिव्यू करेंगे। ये है जी अगली परफेक्ट स्किन 8 स्पॉट रिमूवर लाइटनिंग परफेक्शन क्रीम। उसके बाद आ जाती है इन लोगों की यूथफुल रेडियंट एंड यंगर लुक एंड फर्म ब्राइटन स्किन। फिर ये इनका फेशियल है, ये इस तरह की पैकिंग है, ठीक है। मैग्नेट लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ओपन यूँ करेंगे। सबसे पहले आता है 24 के ऑल डे फ्रेश ग्लो क्लींजर, फिर आता है ये मास्क, फिर आता है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसके बाद है ये वॉल्यूम 20, फिर है ये पील ऑफ मास्क। अच्छा, इन्होंने बॉटल्स ही रखी, इन्होंने ये पैकेट्स रखे हैं, ये भी डिफरेंट स्टाइल है, पहली दफ़ा मैंने देखा है। फिर जी इस डब्बी के लिए इन्होंने स्पेशल जगह बनाई हुई है, वो देखो। ये है स्किन अल्ट्रा प्योर, ये इसका जी पाउडर है, और एंड पे चल भाई। ये जी आज का लास्ट पार्सल अनबॉक्सिंग का, इसके बाद मेरी स्कूल से छुट्टी। ये मान के लिए बैकपैक आया है, बहुत प्यारा सा है। मान ना कार्टून देखती रहती, फिर कहती है मामा आई वॉन्ट लाइन वाला बैकपैक, आई वॉन्ट पिंक बैकपैक। ये मैं उसको कल दूंगी, बहुत प्यारा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जरा मैं पास से दिखा देती हूँ, सिलाइयाँ शलाइयाँ। और उसके बाद भेजा है ये की चेन है, और लास्ट में डॉक्टर रशील की है ब्लैक वाइटनिंग क्रीम। और ये कहते हैं रेफरेंस कोड है MP0078 विल गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। हम तुसी भेजते जाओ, टैग करता अनी बादो। बाय बाय, अनबॉक्सिंग ख़त्म। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। डिलीवरीज़ डिले हो रही हैं, मैं सुबह से 10-15 दफ़ा फ़ोन कर चुकी हूँ, भाई आके उठा लें पार्सल, उठा लें पार्सल, जल्दी है, अर्जेंट है, अर्जेंट है। वो नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं बाजी हमारी गाड़ी जला दी जाएगी, और धरना बहुत ज़ोरों शोर से हो रहा है यहाँ पे। साहिवाल वाले साइड पे टायर जल रहे हैं, जो बसेस गुजर रही हैं उनको गुजार रहे हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते कि ये ना हो कि आपकी गाड़ी गुजर रही हो आपके सामान की, तो कोई ना कोई उस पर हमला वगैरह, मतलब जो भी वो इस तरह का कुछ कर दे। तो ये देखें जी, हर चीज़ पैक पड़ी हुई है, और बस स्ट्राइक का थोड़ा सा सही हो जाए तो वो टीसीएस वाले आके ले जाए, उनकी मेहरबानी होगी। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, हर चीज़ पैक पड़ी हुई है, बस रोड्स खुलें और थोड़ा सा मसला वगैरह हल हो। मेरा ख्याल है फैसलाबाद लाहौर वाली साइड पे इतना मसला नहीं है, इस साहिवाल वाली साइड पे भावलपुर वाली साइड पे ना ज़्यादा इशू इन्होंने बनाया हुआ है, मेन शाहराह इन्होंने ब्लॉक की हुई है। ठीक है जी, मैंने कहा वीडियो में बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे।